उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जबरन धर्मांतरण कराए जाने की रिपोर्टें सामने आ रही हैं, जिसके बाद राज्य विधि आयोग ने योगी सरकार से कानून बनाने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि स्टेट लॉ कमीशन ने यूपी में धर्मांतरण को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में बड़े पैमाने पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लोगों को प्रलोभन देकर भी उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए लव जिहाद भी एक बड़ा कारण सामने आ रहा है। स्टेट लॉ कमीशन के धर्मांतरण पर लोग लगाने के लिए यूपी सरकार से कड़े कानून की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग के चेयरमैन ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इस सिलसिले में एक रिपोर्ट सौंपी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राज्य में बड़े पैमाने पर पहचान छिपाकर लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। स्टेट लॉ कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी में गरीब हिंदुओं और खासतौर पर एससी एसटी को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कुछ दिन पहले एक साथ 300 लोगों के धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने भी आया था। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के अलग अलग जिलों में भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने से पहले योगी आदित्यनाथ भी बार बार धर्मांतरण का मुद्दा उठाते रहे हैं और कानून की मांग करते रहे हैं। मालूम हो कि देश के 10 राज्यों में धर्मांतरण का कानून पहले से ही लागू है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी इसे जल्द लागू किए जाने की मांग अब जोर शोर पकड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि इलाहाबाद और फैजाबाद का नाम बदलने के बाद आगरा के नाम बदलने की खबरें सामने आई हैं। अब ऐसी चर्चा है कि सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुशपुर या कुश भवनपुर रखा जाने वाला है। आपको बता दें योगी सरकार ने पहले इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया और उसके बाद फैजाबाद का नाम अयोध्या। आगरा के बाद अब सुल्तानपुर का नाम बदलने की चर्चाएं कैबिनेट में हो रही हैं।